जावा का माइलेज 35 कैसे हो? मिल गई वीडियो। पता है एक लड़के का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? बाइक लेना। अब ये खुजली तुम्हारे तब उठेगी जब तुम कमाना शुरू कर दो और दूर दूर तक तुम्हारे शादी के प्लान्स ना हो एंड तुम्हारे प्लान्स में एक्सप्लोर करना, बाइक राइड्स करना एंड लद्दाख ट्रिप्स करना एंड फाइंडिंग ट्रू सेल्फ ऑफ योर्स। ख्याली पुलाव थोड़ा लजीज है। अब अगर रेड रेस को चकमा देने में तुम फॉर्चुनेटली सफल रहे तो वेलकम टू द बाइकर्स कम्युनिटी। तो आओ यारो शुरू करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले आते हैं वो जो अपनी गर्लफ्रेंड पर मर मिट जाने वाले होते हैं, फिर आते हैं नंबर दो वाले जो इन मशीन के लिए लड़ मर जाने वाले होते हैं। बाइक एंड गर्लफ्रेंड में एक ही सिमिलैरिटी है, तुम खर्चे उठाते रहो वे चलती रहेंगी। पर तुम बाइक पे 6 महीना ध्यान ना दो, पड़ी रहेगी सड़ी रहेगी, तुम्हारे ही गेट पे तुम्हारे इंतजार में रुकी रहेगी। और अगर तुम नंबर दो वाले हो तो 2 हफ्ता इग्नोर करके देख लेना, बिल्कुल ऐसा फील करोगे जैसे आंधी में गधा। अब बोर मत करे जल्दी बता चौधरी। हाँ तो भाई मेन मसला है मेंटेनेंस का। और अगर मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला बता दूं जिससे तुम्हारी बाइक चमकती रहे, चकाचक चलती रहे एंड अराउंड 35 km/h का माइलेज भी देकर, तो क्या सौदा बुरा है? और ये बातें मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ, जो इस बाइक से 3 साल में सीखा है वही तुम लोग को बताऊंगा। और वीडियो स्किप मत कर देना क्योंकि मोस्टली पॉइंट मैंने ऐसे कवर किए हैं जो कोई तुम्हें सर्विस सेंटर वाला भी नहीं बताएगा। तो आओ यार आज मैं तुम्हें कंप्लीट मेंटेनेंस टूल किट रिवील कर ही देता हूँ, क्योंकि वैसे तुम चाहे कितने भी पैसे उड़ा लेकिन बाइक से तुम्हें एक एक बोन पेट्रोल का हिसाब चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 है रेगुलर ऑयल चेंज और ऑन टाइम सर्विस और अ लिटिल बिट बिफोर टाइम सर्विस। जस्ट बिकॉज रेगुलर ऑयल चेंज से इंजन स्मूथ एंड एफिशिएंट चलेगा, कहीं ना कहीं माइलेज एंड परफॉर्मेंस में हमें एनहेंसमेंट मिलेगा। सो इट्स लाइक एनर्जी ड्रिंक फॉर योर बाइक। अबे ये तो पता है, कुछ नया बता। तो पॉइंट नंबर 3 है एयर फिल्टर। बेसिकली एयर फिल्टर का पर्पज है डर्ट फ्री एयर प्रोवाइड करना कम्बशन चैम्बर में, जिससे माइलेज एंड परफॉर्मेंस एनहांस हो सके। तो जितना एयर फिल्टर क्लीन होगा उतनी बाइक की परफॉर्मेंस एंड माइलेज एनहांस होगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोविड में हम लोग मास्क लगाया करते थे, सबने लगाए हैं। तो जब मास्क डर्ट से एंड मॉइस्चर से ब्लॉक हो जाया करता तो ब्रीद लेने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती थी, तो जैसे ही हटाते थे वापस जान में जान आ जाती थी। तो बिल्कुल सेम वैसा है, एयर फिल्टर जब ब्लॉक हो जाता है तो बाइक कहीं ना कहीं दब के चलती है। तो इवन अगर हर सर्विस पे भी ना करा सकें तो कम से कम सेकंड सर्विस पे एयर फिल्टर क्लीन ना करा के चेंज ही करा दें, इससे बाइक की परफॉर्मेंस एंड माइलेज दोनों एनहांस हो जाएंगे। ओहो। तो पॉइंट नंबर 3 है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग काफी छोटी चीज है बट रोल काफी बड़ा इन इग्नाइटिंग द एयर फ्यूल मिक्सचर ऑफ द इंजन, बट ये सर्विस सेंटर वाले कर ही देंगे फिक्स बिना कहे। बट फिर भी कभी बाइक अगर तुम्हें अंडर पावर लगे तो अपने स्पार्क प्लग जरूर चेक करा लेना। तो पॉइंट नंबर 4 है चेन लुब्रिकेशन। सर्विस पे वो तुम्हें चेन ल्यूब करके तो दे देंगे बट उसके बाद क्या? तो तुम्हें हर 300 किलोमीटर पे अपनी चेन ल्यूब करनी है किसी भी अच्छे जेन्युइन चेन ल्यूब से। लाइक मैं पर्सनली यूज करता हूँ इस पे मोटुल C2, ये काफी अमेजिंग क्वालिटी का है और काफी लॉन्ग लास्टिंग है। और जब चेन काफी गंदी हो जाए लाइक डर्ट एंड मड के सिक्रेशन हो जाए चेन पे तो जब करनी है चेन क्लीन के लिए है मोटुल C1, बट मैं पर्सनली यूज करता हूँ पेट्रोल, क्योंकि 50 रुपए के पेट्रोल में पूरी चेन एज वेल एज सराउंडिंग पार्ट्स भी क्लीन हो जाते हैं, उसके लिए मोटुल C1 काफी एक्सपेंसिव है। और ये सब इसलिए क्योंकि एक वेल लुब्रिकेटेड चेन फ्रिक्शन कम करती है और जिसके फ्री फ्लो चलने से इंजन परफॉर्मेंस एंड माइलेज बढ़ता है एज वेल एज चेन नॉइज भी कम करती है। वाह भाई वाह। तो गाइस पॉइंट नंबर 5 है व्हील एक्सेल एंड बैरिंग। अब शायद तुम्हें इस बारे में ना पता हो तो मैं बता दूं कि ये मैं बात कर रहा हूं इस बारे में, ये है रियर व्हील एक्सेल और वो है फ्रंट व्हील एक्सेल। जस्ट बिकॉज बोथ टायर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एनहांसिंग द माइलेज एज वेल एज परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक, वरना तुम्हारी बाइक बिल्कुल ऐसा फील करेगी जैसे अपर बॉडी वर्कआउट तो कर ली लेकिन लेग डे पे घोड़े बेच के सो गए। तो एक बार ये क्या हुआ कि मैं सर्विस कराने गया, ऑलमोस्ट सर्विस पूरी हो गई लेकिन उसके बाद ये बाइक बहुत अंडर पावर्ड लग रही थी। तो मैं सर्विस सेंटर वाले से बोला कि बाइक इतनी अंडर पावर्ड क्यों लग रही है, और बाइक की हालत बिल्कुल ऐसे हो रही थी जैसे लेटेस्ट बजट के बाद लोअर मिडिल क्लास का हाल है। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है रियर व्हील खोलो एक बार और चेक करो। तो पता है क्या पता चला कि दोनों बैरिंग जाम थे और एक्सेल पर पूरा जंग जम रहा था। वो भी शौक, मैं भी शौक कि ये कैसे हुआ। तो वो कहीं ना कहीं पानी जाने से हुआ, जैसे पानी में गाड़ी चलाते हैं बारिश में या कहीं पॉथ होल गहरे हैं तो मैं पानी जाते हैं उससे जंग आ जाता है। तो अराउंड 300 के अराउंड हमें एक बैरिंग पड़ा और एक्सेल की ग्रीजिंग हुई, उसके बाद में बाइक बिल्कुल ऐसे हाथ से निकल के भागी। अच्छा। तो गाइस पॉइंट नंबर 6 है ब्रेक पैड। बेसिकली ब्रेक पैड का जो पर्पज है वो है बाइक कंट्रोल करना।
लेकिन कभी कभी एक सेकंड लेट ब्रेक लगने से तुम बहुत दूर निकल सकते हो, वो भी बिना वीजा के। तो आई मीन टू से इज कि कभी कभी ब्रेक पैड जो है वो स्टिकी हो जाते हैं, चिपकने लगते हैं, तो उससे भी बाइक की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है और बाइक काफी अंडर पावर्ड लगने लगती है। यानी कि अगर कहीं ना कहीं अगर जम के चलेंगे ब्रेक तो बाइक रुकेगी, उससे भी माइलेज पे फर्क पड़ेगा। और इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि वन पेयर ऑफ फ्रंट एंड रेयर ब्रेक पैड अपने साथ कैरी करें, क्योंकि मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैं 300 किलोमीटर की राइड पे था और ऑन द वे अराउंड 150 किलोमीटर के बाद बाइक के ब्रेक लगने बंद हो गए। तो मैंने जो चेक किया तो रियर ब्रेक पैड पूरे घिस चुके थे और दूर दूर तो कोई शॉप नहीं थी जो कोई ब्रेक पैड डाल दे, और अगर डाल भी देता तो मेरे पास थे नहीं ब्रेक पैड। तो हुआ ये कि वो 50-60 किलोमीटर मुझे बाइक ऐसे ही चलानी पड़ी और वो ऐसे ही चलाने से रियर डिस्क प्लेट पे जो है मार्क्स आ गए, उसमें फेज हो गया। तो मैं आपको दिखा दूं ब्रेक पैड खत्म होने से क्या हुआ, इस प्लेट में थोड़ा सा फेस आ गया, शायद कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा लेकिन ये मतलब इंडल्जी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अलग से बताऊंगा जिसमें आप इजीली इंस्टॉलेशन अपने आप कर सकते हैं कहीं भी कभी भी ब्रेक पैड। बस करना ये होगा कि अपने साथ जो है ब्रेक पैड कैरी करने होंगे और इंस्टॉल करना इतना हार्ड नहीं है, इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ टूल्स आपको बाइक में कैरी करने पड़ेंगे, बस इजीली पिन निकाल के आप ब्रेक पैड जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। पॉइंट नंबर 7 है थ्रॉटल एंड क्लच वायर। बेसिकली थ्रॉटल एंड क्लच वायर का डायरेक्टली माइलेज से कोई लेना देना है नहीं, पर जब मैंने 2 साल बाद थ्रॉटल एंड क्लच वायर दोनों चेंज कराए तो उस दिन मतलब बाइक पूरी ऐसी मुझे लगी नहीं रही थी कि मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ, एकदम ब्रांड न्यू मिंट कंडीशन में बाइक हो गई थी, क्योंकि क्लच वायर चेंज होने से काफ़ी मुलायम सॉफ्ट क्लच हो गया था और थ्रॉटल वायर भी मतलब थ्रॉटल एकदम चल रहा था। तो कहीं ना कहीं माइलेज से लेना देना नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत एनहांस हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कहाँ एकदम ब्रांड न्यू बाइक आप चला रहे हो। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि हर सर्विस पे भी नहीं तो हर सेकंड सर्विस पे थ्रॉटल एंड क्लच वायर दोनों चेंज करा दूँ। ये सही है भाई। तो यार वो पॉइंट नंबर 8 है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर प्लेज अनदर इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अंडर इन्फ्लेटेड टायर माइलेज घटा देते हैं, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। तो इसलिए अगर दोनों ही टायर्स का प्रेशर अंडर रहेगा तो बाइक का माइलेज जो है वो कम ही निकलेगा, इससे तुम्हारी बाइक बिल्कुल ऐसा फील करेगी जैसे गारे में फंसी हुई बैलगाड़ी। तो इसलिए मैं पर्सनली यूज एंड कैरी करता हूँ हीरो ग्रुप का क्यूबो टायर स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर। ये काफ़ी ईजी टू कैरी है, ये 150 psi का एक कॉम्पैक्ट इन्फ्लेटर है जो कि एक पावर मैक जितना साइज में है और अराउंड 500 ग्राम इसका वेट है, और इसमें 2000 mAh की लिथियम-आयन बैटरी हैं जो कि 8-10 बार इजीली मतलब टायर टॉप अप कर ही देती हैं। इसमें डिजिटली यहाँ स्क्रीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पावर ऑन करने के बाद में यहाँ डिजिटली स्क्रीन है। इसमें डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, बाइक कार और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब इसमें डिजिटली कंट्रोल एयर प्रेशर सेंसर है जो कि काफ़ी एक्यूरेट है, अराउंड 1 psi के अराउंड प्लस और माइनस हो सकता है। बाकी काफ़ी दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक बार रास्ते में पंचर भी हुआ था, मतलब पंचर में मैं ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। मतलब बहुत यूज़फुल चीज़ है, हर बाइकर्स को अपने बैग में यही रखना ही चाहिए। ओहो चलो वॉश में से करता हूँ भाई। रुकना है क्या अभी? पीछे वाले पार्ट जितने ऑयली पार्ट हैं वो सब सर्फ से करेंगे और जो ऊपर की बॉडी के पार्ट है ब्लैक वाले वो सारे शैम्पू से करेंगे, क्योंकि सर्फ से जो है वो थोड़ी सी वाइटनेस आती है तो शैम्पू से थोड़ी शाइनिंग आती है। तो शैम्पू से वॉश करेंगे ऊपर के पार्ट और सर्फ से करेंगे नीचे के पार्ट जो ऑयल वाले हैं। लंबी ना कर दी वीडियो तुमने। बाइक धुल के हो गई रेडी और अब बारी आ जाती है पॉलिश की। तो भाई मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ शीबा का ऑल इन वन पॉलिश और ये बाइक के सभी पार्ट पे काम करता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, अभी तो कहीं पॉलिश नहीं लगी हुई है लेकिन जैसे कि मैंने एक पार्ट मार्क किया है, अगर मैं यहाँ पॉलिश लगाता हूँ तो इतना जो है शाइनिंग आएगी इस पॉलिश से और ब्लैक भी हमारा यहाँ से बेटर यहाँ पे दिख रहा है। चल 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 आगे बढ़। और ये पॉलिश की खास बात ये है कि मतलब बाइक का कोई सा भी पार्ट हो, मेटल का हो या प्लास्टिक का हो, सभी पर बराबर काम करती है और काफ़ी अच्छा सा ग्लॉस फिनिश आता है रेडी होने के बाद में। अब पकावे मत, जल दिया काम की बात पे। मैं 10 मिनट खराब कर दिए तेरी वीडियो में मैंने, तू मिल जा कहीं तुझे तब बताऊंगा। तो गाइस ये है 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जिनमें से अगर तुम क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग को छोड़कर 8 पॉइंट्स फॉलो।
तो बहुत क्रिटिसाइज करता है भाई मुझे। रुक रुक,